इसकी माँ एक एक्सीडेंट में चल बसी। उस वक्त ये 1.5 साल की थी, इसे कुछ याद नहीं। बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके लिए वो। कौन सा वक्त मुश्किल नहीं, पहले मैंने अपनी बीवी को खोया और अब अपनी बेटी को खो देने का डर है। वक्त तो ऐसा ही है, मेरे लिए तो हर लम्हा मुश्किल है। कैन के बाबा की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उस वक्त कैन सिर्फ 1 साल का था। क्या वाकई? तो आप भी मेरी तरह दुखी हैं। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जिंदगी का शायद कोई मकसद नहीं, अगर आपको हर वक्त ऐसा ही महसूस हो कि आप अपनी औलाद को खो देंगे तो जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। सही कहा, बुरा वक्त है, गुजर ही जाएगा। आप उम्मीद मत छोड़िएगा, मैंने भी कभी नहीं छोड़ी। अपने बेटे को बचा लिया मैंने, आप भी परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया मुझे हौसला देने का। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई इनकी, आज आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। शायद वो भी एक दूसरे को समझते हैं। सही कहा, बहुत दुखी है वो, जब से इसके बाल गिरना शुरू हुए हैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चे ये नहीं जानते उनकी बातों से किसी को दुख भी पहुंच सकता है। मैं समझ सकती हूँ। आप अश को मेरे ऑफिस लेके आइएगा ना, मैं भी कैन को लेकर आऊंगी, दोनों खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरी बेटी को एक दोस्त की बहुत जरूरत है। हेलो, जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। दवा खा लो ताकि जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, नई जिंदगी मिली है मुझे।